अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही यूज़फुल हर्ब, जो है हरड़, जिसको हरीड भी कहते हैं। और ये है हरीड का मुरब्बा। आप खुश्क भी खा सकते हैं और मुरब्बा भी खा सकते हैं। और इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इसके सारे बेनिफिट्स के, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। रियली ये हर घर में मौजूद होनी चाहिए। और ये अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है आप हेल्दी वेल्दी, जितनी आपकी लाइफ है हेल्दी गुजारें, तो ये खाना अभी से स्टार्ट कर दें। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। और प्लीज़, इस वीडियो शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने प्लीज़ अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ हरड़ का मुरब्बा। और जो हरड़ कह सकते हैं, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। हरड़ ब्लैक भी होती है, वाइट भी होती है और येलो भी होती है। तो लेकिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है हरड़ का मुरब्बा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि ये आपकी जो मेन, सबसे आजकल जो है ख़ास तौर पे जो गल्फ में है, आई डोंट नो, मे बी द पाकिस्तान आल्सो द सेम प्रॉब्लम, कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, हेमराइड्स हो जाते हैं। तो ये इट्स लाइक अ वर्स कंडीशन एवरीवेयर। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए एक बहुत ही ये हेल्दी और जो है वो हर्बल चीज़ है हरड़। अगर आप ये लें तो एक तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन कम हो जाती है, सेकंड ये कि अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप हरड़ का इस्तेमाल करें तो आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। और थर्ड थिंग कि अगर आपका मेमोरी लॉस है, अगर आपको कोई मेडिसिन की वजह से या वैसे ही वीकनेस की वजह से आप लगता है कि आप कुछ चीज़ें रखती हैं और भूल जाती हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ होती है, डिजीज़ चलो सब लोगों को नहीं पता चलेगा, तो कुछ ऐसी डिजीज़ जिसमें मेमोरी लॉस होती है उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। और इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी की भी मिकदार इसमें मौजूद है। खाने में अगर देखा जाए तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा सावर सा लगता है, लेकिन जो है आई डोंट थिंक सो इट्स टू मच डिफिकल्ट टू ईट। आप इसको इजीली खा सकते हैं। और साइज़ में कुछ ये इस तरह से है, ये मैं मुरब्बे की बात कर रही हूँ, ये कुछ साइज़ में इस तरह से है। और मैं किसी भी कंपनी की, मैं आपसे बात करूँ, मैं किसी भी कंपनी की जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रही। ये मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों के साथ कोई इशू है, कुछ लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लू के अंदर भी बहुत हेल्पफुल है, वेट रिड्यूस में, कॉन्स्टिपेशन में, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और खाने का जो तरीका इसका है, आप इसको जो है वो 1/2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक जो है वो इसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दानों की बात करें, 3 से 4 दाने आप दिन में खा सकते हैं, क्योंकि अभी अगर ये देखा जाए तो ये है 4 दाने, तो इनके इसका साइज़ इतना हार्डली, अगर 1, 2 से 3 ही दाने आप जो है ना इजीली खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन फिर भी आप जो है ना 0.5 to 1.5 ग्राम तक ले सकते हैं इजीली। तो आप इसको लेने का, कॉन्स्टिपेशन के लिए लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये, आपको पुराने से पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, हफ्ता, 10 दिन, महीना के कॉन्स्टिपेशन है, तो मैं आपसे शर्तिया ये बात करती हूँ कि आपको इससे फ़र्क पड़ जाएगा। आपने गर्म दूध लेना है, कम गर्म दूध, नीम गर्म दूध नहीं लेना, लेकिन सही गर्म लेना है, जिसको आपको सिप लगा के या चुस्की लगा के, जिसे कहते हैं कि पीना पड़े ज़रा मुश्किल से, वैसा आपको थोड़ा गर्म दूध चाहिए। और उसके साथ पहले आपने हरीड खानी है बेड टाइम पे, जब अपना खाना वगैरह खा लें, जब आप सोचें कि अभी आपको बेड पे जाना है, तो तब आपने लेना है। आपको एक गर्म दूध का ग्लास लेना है और ये हरीड लेनी है और इसको खा लेना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो सुबह ही इंशाल्लाह आप लोगों की कॉन्स्टिपेशन जो है, जिन लोगों को इशू है, वो उनकी फिनिश हो जाएगी। और सेकंड ये कि ये एक मुरब्बा है, इनके इसके अंदर जो है शुगर सिरप है। कुछ लोग जो डायबिटिक हैं वो ये यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके अंदर ऑलरेडी शुगर की कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, अगर वो अलाउ करते हैं। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती डायबिटीज़ को, और किसी को भी कोई भी हेल्थ इशू है, फर्स्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर जाएँ होम रेमेडीज़ की तरफ आएँ। तो ये जो है ऑलरेडी इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है,
लेकिन बाकी किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। कोई एज है आफ्टर जो है वो 12 to 13 के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अंडर छोटे बच्चों के लिए भी हम जो है ये हडीर नहीं एडवाइस कर सकते, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और जो इसका मेडिकली नेम है वो टर्मिनेला चम्बीला इसको बोलते हैं मेडिकल नेम में, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। और आई थिंक सो कि हर घर में ये जो हर्ब जो है वो होनी चाहिए, और ये इजीली आपको पंसार की दुकान से मिल जाती है। आप लेके इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, अगर तो समर है तो डेफिनेटली इसको फ्रिज में रखें, अदरवाइज आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। अगर तो मुरब्बा है तो वो सिरप में पड़ा रहता है तो वो ख़राब नहीं होता, लेकिन ये कि ये आप लोग ज़रूर रखें अगर आप चाहते हैं आप ब्लड प्रेशर से बचे रहें और जो है वो फैटी लीवर से बचना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि हेमराइड्स का प्रॉब्लम भी बहुत सारे गल्फ में तो बहुत ज़्यादा है, बैचलर्स जो बाहर का खाना लोग ज़्यादा खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये सिर्फ जो एक हर्बल है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी में, आप इजीली कहीं से भी, आपको हाइपर मार्केट सुपर मार्केट में भी आई थिंक सो अवेलेबल है। अगर वहाँ नहीं अवेलेबल आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास जो है ये कर्शी की है, तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं आपको दे रही कि आप इसी ही कंपनी के लिए जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको रिजनेबल लगता है, लेकिन मेरा सिर्फ पर्पज़ है आप तक एक मैसेज कन्वे करना कि ये एक चीज़ यूज़फुल है और मैंने यूज़ किया और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे रिज़ल्ट है। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी मेरा ख्याल ये मैं वीडियो बहुत देर के बाद चैनल पे डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 to 3 months हो गए। मैंने बताया भी था फर्स्ट पे कि मैं बिज़ी थी, कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं और अब मैं कोशिश करूँगी ऑन ऑफ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ और आपसे जो है वो इंटैक्ट रहूँ। तो बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।